So hello students and a very warm welcome on my YouTube channel The English Classes. Today we shall discuss about a very important structures of spoken. Okay, तो जैसा कि मैंने already बहुत सारे structures मैंने already बता रखे हैं, है ना. Offline classes में भी, online classes में भी, previous videos में मैंने 4 structures बताए थे. और अब हम लोग चलते हैं आगे next structures की तरफ, ठीक है. तो देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है इस तरीके से. मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाओगे? देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने बताया है, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल कह सकते हैं कि मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, उसने मुझे हंसते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए सुना, ठीक है. तो इस तरह के एग्जांपल्स कैसे बनेंगे आखिर, ठीक है. तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट के बाद जो हमारा मेन वर्ब जो लास्ट में आया है उसका सेकेंड फॉर्म. क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहां पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म. और इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, और जो सेकेंड जो वर्ब है, ठीक है, सेकेंड वर्ब ये है ना, जो जनरल वर्ब है उसका बिफोर फॉर्म. यानी जो जनरल वर्ब है, जो सामान्य वर्ब है, उसका बिफोर फॉर्म, और देन उसी का ऑब्जेक्ट यहां पर बिफोर के बाद, ठीक है. तो जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल बोला, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई और यहां पर देखा, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में देखना था, शी सो, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, सॉ, आई सॉ, किसे देखा, उसे, सो आई सॉ हिम, क्या करते हुए, गाना गाते हुए, मतलब क्या हो जाएगा, हिम के बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है. सो आई सॉ हिम सिंगिंग अ सॉन्ग. और कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहां पर देख लेते हैं. उसने मुझे टीवी देखते हुए पकड़ा, ठीक है, उसने मुझे टीवी देखते हुए पकड़ा. He caught me watching the television. He caught me watching the television. तुमने उसे वहां जाते हुए देखा. तुमने उसे वहां जाते हुए देखा. You saw him going there. You saw him going there. ठीक है, आपने मुझे हंसते हुए देखा था. आपने मुझे हंसते हुए देखा था. You saw me laughing. You saw me laughing. ठीक है, ये हमारा रहा आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर. चलते हैं अब सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ. तो देखिए, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, हम इस तरह के एग्जांपल्स में अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. यहां पर हमारा जो मेन टॉपिक जो है, मेन पार्ट जो है, वो क्या है, अब और, है ना, अब और. मैं इस काम को अब और नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूं, मैं अब और खा नहीं सकता हूं, ठीक है, मैं अब और यहां ठहर नहीं सकता हूं, ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं. तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट. क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, और नहीं के साथ यहां पर सकता हूं आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कैन, और नॉट को लगाकर बना देना है कांट, ठीक है. क्या लिख दोगे, कांट, ओके. और इसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. और अब और के लिए आपको क्या यूज करना है, एनी लॉन्गर. अब और के लिए क्या यूज होगा, एनी लॉन्गर. तो क्या बन जाएगा, आई कांट वेट एनी लॉन्गर. I can't wait any longer. ठीक है, उसी तरह सब कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं. मैं अब और तुमसे बात नहीं कर सकता हूं. I can't talk to you any longer. I can't talk to you any longer. मैं अब और तुमसे बात नहीं कर सकता हूं. सेकेंड एग्जाम्पल है, वह अब और यहां नहीं रह सकता है. वह अब और यहां नहीं रह सकता है. He can't live here any longer. He can't live here any longer. तुम अब और नहीं खा सकते हो. You can't eat any longer. You can't eat any longer. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है. तो जैसे ही ये हमारा आज का फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर रहा, तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर्स के बाद अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और भी दो स्ट्रक्चर्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, उसे भी देख लेते हैं. चलिए, सो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर थर्ड के बारे में.
देखिए ये जो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और वाकई में इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम लोग रेगुलर तो नहीं लेकिन कभी कभार आए दिन हम लोग यूज तो करते ही रहते हैं। जैसे वो दिन भर मोबाइल में खोया है, वो पढ़ाई में खोया है, मैं खाना खाने में खोया हूँ, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से कि स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे कैसे, बहुत ही इजी है। सिंपली आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है एंड जैसा आपको यहाँ पर टेंस कैच कर लेना है, टेंस को पहचान लेना है, जैसा टेंस होगा उस टेंस के अनुसार एक्जुलरी वर्ब और देन उसी टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का फॉर्म लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन और बाकी जो सेकेंड वर्ब ये आया हुआ है उसका बिफोर फॉर्म लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। अब ये खोया, खोया हूं यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस मतलब तो खोना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जनरली कि ये खोया है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा लॉस का भी लॉस्ट, क्या हो जाएगा लॉस्ट। और बाकी हैज हैव तो लगता ही है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज हैव प्लस P3, तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ाई में खोया है, he has lost in reading, सब्जेक्ट हो गया ही, अभी टेंस के अनुसार और he के अकॉर्डिंग हो जाएगा has and then lost का भी lost और फिर in लिखना है और in लिखने के बाद जो जनरल वर्ब है पढ़ाई, इसका मेन वर्ब जो है सॉरी इसका बिफोर फॉर्म आपको लिख देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, he has lost in reading, he has lost in रीडिंग, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं खाना खाने में खोया हूं, मैं खाना खाने में खोया हूं, आई हैव लॉस्ट इन ईटिंग फूड, आई हैव लॉस्ट इन ईटिंग फूड, ठीक है। तुम मैच देखने में खोए हो, तुम मैच देखने में खोए हो, यू हैव लॉस्ट इन वॉचिंग द मैच, यू हैव लॉस्ट इन वॉचिंग द मैच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्ट्रक्चर एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्ट्रक्चर्स। ओके, सो वह अपने परीक्षा के लिए चिंतित है। देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर अब हमारा आता है किसी एक्शन के लिए चिंतित हो जाना, किसी भी कार्य के लिए, किसी एक्शन के लिए अगर चिंतित होने की बात की जाएगी तो यहां पर आपको यूज करना है एंसियस, एंसियस के बाद यूज करना है फॉर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही वह अपने परीक्षा के लिए चिंतित है, जनरली आपको सब्जेक्ट लिखना है और टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब एंड देन इसका यूज करेंगे, देन फॉर और देन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलो फिर इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही और यहाँ देखो चिंतित है, कौन सा टेंस है, इज है ना, तो क्या हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, ठीक है। सो ही इज, अब इसके बाद एंसियस का यूज करना है, यहाँ पर हो जाएगा ही इज एंसियस फॉर हिज एग्जामिनेशन, किस चीज के लिए का यूज हुआ, फॉर और अपने परीक्षा, तो ही के अकॉर्डिंग अपना का मीनिंग क्या हुआ, हिज। सो फॉर हिज एग्जामिनेशन, वह अपने परीक्षा के लिए चिंतित है, ही इज एंग्जियस फॉर हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम अपने पढ़ाई के लिए चिंतित हो, यू आर एंग्जियस फॉर योर स्टडी, तुम अपने पढ़ाई के लिए चिंतित हो, यू आर एंग्जियस फॉर योर स्टडी, ओके। वे लोग अपने तैयारी के लिए चिंतित हैं, वे लोग अपने तैयारी के लिए चिंतित हैं, दे आर एंग्जियस फॉर देयर प्रिपरेशन, दे आर एंग्जियस फॉर देयर प्रिपरेशन, आ रही बात समझ में। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टू फोर्थ तक का स्ट्रक्चर्स और इसके बाद और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड विश यू स्टे हैप्पी हेल्दी एंड सेफ, थैंक यू, गुड बाय।